जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, एलोवेरा का पौधा सभी जगह आसानी से उपलब्ध होता है। आपने देखा भी होगा एलोवेरा का जो पौधा है, और आप सभी ने इसको देखा भी होगा, लेकिन काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो हिंदी में इसका नाम जानते होंगे। तो दोस्तों, हम बता दें कि इसे घृत कुमारी या ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है। ग्वारपाठा इसका हिंदी नाम है, जो भी सभी जगह सभी लोग जानते हैं। वैसे तो इसके स्वास्थ्य के अनेक लाभ हैं, यह हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्योतिष शास्त्र में भी किया जाता है और कई तांत्रिक क्रियाओं में भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपने अपने जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, अर्थात आपके जीवन में धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, या फिर शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है, किया कराया करवा देता है, अर्थात कोई काला जादू करवा देते हैं, तो यदि इस तरह की सम्मोहन वशीकरण क्रियाओं में भी इस एलोवेरा के पौधे का इस्तेमाल किया जाता है, इसके फूल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार की वनस्पति जड़ी बूटी कही जाती है। स्वास्थ्य में तो अनेकों इसके लाभ हैं, लेकिन आज हम इसके तांत्रिक उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि बेहद ही खास और शक्तिशाली हैं, और इसका उपयोग करके आप दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में जितने भी पौधे होते हैं, उन सबका अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। उनमें से कुछ अदृश्य शक्ति होती है, इसी तरह से इस पौधे का भी अपना खास ही महत्व होता है। एलोवेरा ऐसा पौधा है जो कि सूखे में उगता है, लेकिन सूखे में उगने पर भी यह अपने अंदर जल को समाहित कर लेता है, बल्कि इस जड़ी बूटी में इतनी गजब की शक्ति होती है कि यह शारीरिक विषैले तत्व, अर्थात हमारे अंदर जो विषैले तत्व होते हैं, उनका नाश कर देता है। शरीर के विषैले तत्व बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं दोस्तों, जिसके कारण वह मनुष्य को बीमार कर देते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ ठीक नहीं कर पाती, इस पौधे के इस्तेमाल से वो ठीक हो जाती है। तो कुछ बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो विषैले तत्व होते हैं उनको खत्म कर देते हैं और हमें बहुत ही स्वस्थ और सुडौल बना देते हैं। दोस्तों, यह प्लांट आयुर्वेद में, वनस्पति में, विज्ञान में बहुत काम आता है, साथ ही ज्योतिष विज्ञान में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। यह पौधा आर्थिक समस्याएं, धन की समस्याएं, कर्ज की समस्याएं, या कोई भी लंबी बीमारी जैसे घबराहट होना, बहुत ज़्यादा चिंता हो जाना, मानसिक संताप हो जाना, मन का बहुत ज़्यादा विचलित हो जाना, नींद न आना, इस तरह के जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करता है। धन संबंधी समस्याओं का भी समाधान करता है, लंबी बीमारियों से भी हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, इस पौधे में 3-4 साल बाद एक फूल आता है, और यह फूल का इस्तेमाल सम्मोहन क्रिया में किया जाता है, अर्थात तांत्रिक विद्या में और सम्मोहन में इसका इस्तेमाल होता है। अगर इस फूल को पढ़कर आप किसी भी व्यक्ति को खिला दें, तो ऐसे सामने वाला व्यक्ति जिसे आप यह खिलाएंगे, वह आपके विरुद्ध जा ही नहीं सकता, बल्कि जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे वैसा वैसा वो करता जाएगा। यह फूल बहुत दुर्लभ होता है, किसी एलोवेरा में ही यह फूल लगता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुर्लभ होता है, यह किसी किसी एलोवेरा में लगता है, अर्थात आप यदि 4 एलोवेरा या 10 एलोवेरा देखेंगे, तो उसमें से एक में ही यह फूल होगा। जो बहुत किस्मत वाला होगा, उसी घर में यह फूल लगेगा। यदि आपके घर में एलोवेरा है और यदि आप किस्मत वाले हैं, तभी यह फूल आपके घर में लगेगा। लेकिन इसके इस्तेमाल बहुत होते हैं। धन की समस्या में यह फूल का बहुत बड़ा महत्व है। अगर इस फूल को तोड़कर माता लक्ष्मी को चढ़ा दिया जाए और वहीं पर बैठकर कम से कम 51 माला से इस फूल को सिद्ध कर लिया जाए, तो इस मंत्र के साथ, दोस्तों मंत्र क्या है ध्यान से सुनिएगा, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः। तो इस फूल में जो बीज होते हैं, उसके बाद किसी भी लाल कागज में रखकर इसमें लाल सिंदूर छिड़ककर इस कागज को फूल के साथ अपनी तिजोरी में रख लें, धन की समस्या कभी भी नहीं रहेगी, आपको कभी भी धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, और भी धन के जो स्रोत हैं वो आपके खुलते जाएंगे, धन आने के रास्ते आपके खुलते जाएंगे। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, तो आज आप इस उपाय को कर सकते हैं, आपका कर्जा चुक जाएगा। सम्मोहन में इसका प्रयोग, दोस्तों इसका प्रयोग सम्मोहन में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। सम्मोहन शक्ति ऐसी शक्ति होती है कि आप ये प्रयोग जिस व्यक्ति पर भी करेंगे, तो वो आप में सम्मोहित हो जाएगा और आपकी ही बात मानेगा, वो दूसरे किसी अन्य की बात नहीं सुनेगा। तो अगर इस फूल को कामाख्या देवी को चढ़ाकर इस मंत्र का जाप किया जाए, और कितने दिन तक, 11 दिन तक जाप किया जाए। दोस्तों, मंत्र क्या है सुन लीजिएगा, ओम नमो कामाख्या देवी, अमुक में वर्षम
कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो कामाख्या देवी अमुक में वर्षम कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों इसकी 11 माला यदि आप इस मंत्र को सिद्ध कर लें, यानी इस फूल के सामने बैठ करके, इस फूल को सामने रख करके आप 11 दिन तक 11 माला इस मंत्र से इस फूल को सिद्ध कर लें, तो अमुक व्यक्ति और अमुक व्यक्ति का नाम लिया जाए। अर्थात मैंने जो मंत्र बोला उसमें ओम नमो कामाख्या देवी अमुक में वर्षम कुरु कुरु स्वाहा, जो इसमें जो अमुक है उसमें आप व्यक्ति का नाम ले लीजिए। अमुक की जगह आपको क्या लेना है, व्यक्ति का नाम लेना है। और व्यक्ति का नाम लिया जाए और उस व्यक्ति को यह फूल खिला दिया जाए, तो जन्म जन्मांतर तक आपसे धोखा नहीं करेगा, वह व्यक्ति आपकी तरफ ही सोचेगा, आपका ही इशारा मानेगा। इसी तरह से आप किसी भी सम्मोहन विद्या से आप इस फूल में अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों एलोवेरा का जो फूल है वह संपूर्ण प्लांट की शक्ति अपने में रखता है। अर्थात एलोवेरा की जो संपूर्ण शक्ति होती है वो ये जो एलोवेरा का फूल होता है यह अपने अंदर समाहित कर लेता है। अर्थात जो इसका फूल उगता है तो इस फूल में उस पूरे पौधे की और वहाँ पे जो जहाँ तक इसकी जड़ जा रही है उस जमीन की शक्ति भी इस फूल के अंदर आ जाती है, इतना ताकतवर होता है दोस्तों ये फूल। तो ये बहुत दुर्लभ है दोस्तों, यदि मिल जाए तो आप बिल्कुल भी इसे छोड़िएगा नहीं। कहीं भी जैसे आप जा रहे हैं आपको मिल गया कि यार एलोवेरा के अंदर ये फूल उग रहा है, ग्वार पाठे के अंदर ये फूल उग रहा है, तो आप तुरंत से इसे तोड़ लें। और तोड़ करके आपको ऐसे नहीं तरना, अपमान नहीं करना, आपको इसको नोतना है, आपको कहना है कि भाई मैं इसको बहुत अच्छे कार्य के लिए लेकर जा रहा हूँ, मैं इससे मेरा कार्य सिद्ध करूँगा, तो चलिए मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। इस तरह से आपको इसको बोल करके और नोत करके लाना है। आपको इसे डायरेक्ट किसी भी वनस्पति और किसी भी फूल को तोड़ के लाने का अधिकार नहीं होता है दोस्तों। और दोस्तों यदि आपने अपने घर में यदि ये प्लांट लगा रखा है तो बहुत ही बढ़िया, यदि उसमें फूल आ रहा है तो आप इसको फूल को खिलने दीजिए। फूल को खिलने के बाद ही आप इसको तोड़िए, और उस पर तोड़ते समय आपको ये ज़रूर बोलना है कि आपको मैं बहुत ही अच्छे कार्य के लिए ले जा रहा हूँ, मेरा कार्य सिद्ध कीजिए। और आपको महादेव का नाम लेना है, क्योंकि सभी वनस्पतियों के जो वनस्पति प्रदान करने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसी बात पर आपको हर हर महादेव, जय श्री राम और माता रानी की जयकारा जरूर लगाना है। ऐसा करने से आप में भी सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है, और आप सदैव ही अच्छे कार्य करते हैं और आपका भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि आप में ही यदि सकारात्मकता रहेगी तो फिर आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। काला जादू फिर उस सकारात्मक व्यक्ति पर नहीं चलता है जो कि भगवान जी का नाम जपता है। तो इस कलयुग में दोस्तों भगवान जी का नाम जपने से ही हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी तरह के दुख दर्द हमारे दूर हो जाते हैं। भगवान जी सभी तरह के दुख दर्दों को हमसे हर लेते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि रिश्तेदारों में, ताकि उनको भी पता लग सके एलोवेरा के फूल के फ़ायदे और उनका भी फ़ायदा हो सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो में कमेंट में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, जय श्री राम जय बागेश्वर धाम।